हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। मैं संगीता आप सभी को स्वागत करती हूँ। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें। भाई देखो, क्या है ना कि करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। देखिए, चैनल हमारा आपको पता है, नॉलेज 365 हमारा चैनल है। डेली 9:30 से 10:30 हम लोग इस पर क्लास लेते हैं करंट अफेयर्स की। ठीक है, क्लियर? तो वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा। कोर्सेज आपके सामने, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। 24 मंथ कोर्स इज द बेस्ट कोर्स, 72,100 का है। बट आपको कोड लगाओगे, कौन सा कोड? SNGEET है, तो आपको मिलेगा 6480 का। ओके, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 किसने जीता है? गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 किसने जीता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? राज, अनुराधा, ज्ञान सागर, मनीष प्रजापति, धीरज कुमार, सोनू यादव, जितने लोग भी जुड़े हैं भाई, सभी लोग आंसर देंगे। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉल सीन टी। पॉल सीन टी राइट आंसर है, पॉल सीन टी। देखिए, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखे हैं, इस पर भी जल्दी से नजर डालिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। जल्दी से इस पॉइंट पे नजर डालिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और भी पॉइंट है, देखिए जल्दी से। क्वेश्चन राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 के FIH पुरुष हॉकी कप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? 2023 के FIH पुरुष हॉकी कप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट आंसर। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, कैपिटल भुवनेश्वर। ठीक है, लार्जेस्ट डैम हीराकुंड डैम, वो भी किस रिवर पर? महानदी रिवर पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस नाम से GRSE कोलकाता ने 17A का पहला जहाज लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिमगिरी। राइट आंसर इज हिमगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर द शौर्य अनबॉर्न पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर द शौर्य अनबॉर्न पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव। बोथ ऑफ द अबव, ठीक है, महर्षि अरविंद पन्नर। ये इसके अलावा भी कुछ बुकें हैं इंपॉर्टेंट, वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आरबीआई किस शहर में स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा? आरबीआई किस शहर में स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा इसका जयपुर। जयपुर, जयपुर कहाँ? कैपिटल ऑफ राजस्थान। सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने सेना प्रमुख MM नरवाने को गार्ड ऑफ ऑनर किसे सम्मानित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर दो। राज, NS राणा, जितने लोग भी भाई, सुधीर जाट, जितने लोग भी कनेक्ट होते हैं सभी लोग आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सऊदी अरब। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जल्दी से एक बार नजर डालिए इस पर। देखिए, कई बार पूछा जाता है ICAR का फुल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है अंगटेट का हेडक्वार्टर या अंगटेट का फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है, पता है ना? नहीं पता है तो जान लीजिए। ठीक, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यही प्रेजेंट करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यही प्रेजेंट करता है। ठीक, वर्ल्ड WTO के एसोसिएट बॉडी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओला किस भारतीय राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओला किस भारतीय राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, राइट आंसर इज तमिलनाडु। राइट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु जिसके सीएम है ई पलानी स्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, कैपिटल चेन्नई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजन 2035 भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी किस संस्था द्वारा जारी किया गया श्वेत पत्र है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा, आंसर देना स्टार्ट करिए। चलिए भाई, राइट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्रेसिडेंट है, हमेशा याद रखिएगा, इसके प्रेसिडेंट हमेशा पीएम ऑफ इंडिया होते हैं। पीएम भारत का प्रधानमंत्री होता है, अब इस समय तो नरेंद्र मोदी है, जरूरी नहीं भविष्य में हमेशा नरेंद्र मोदी जी रहे, लेकिन प्रेसिडेंट हमेशा पीएम होगा। सीईओ अमिताभ कांत, वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? 2020, 21, 22, 23, तो नन ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलो भाई, आंसर देते रहो, कोई बिना रुके आंसर फटाफट देते रहिए, ताकि पता चलता रहे कि आप कितने ज्यादा एक्टिव हैं करंट अफेयर्स की क्लास में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2021, यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एस्टैब्लिशमेंट 1945, हेडक्वार्टर है पेरिस, डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ऑज़लो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिग टाइम लिटिल बुक दो पुरस्कार किसने जीता है? बिग लिटिल बुक पुरस्कार किसने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, बिग लिटिल बुक पुरस्कार किसने जीता है? बिग लिटिल बुक पुरस्कार किसने जीता है? बिग लिटिल बुक पुरस्कार किसने जीता है?
देन राइट आंसर इज, बोथ ऑफ द अबव। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो देखिए एक बार नजर डालिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डाक विभाग और आईपीपीबी ने किस नाम से डिजिटल भुगतान ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डाक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्रिसिल, आपने सुना होगा क्रिसिल क्या होती है? क्रिसिल होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है। क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये। का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.7%, बट किसमें? माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल देई त्यौहार कहाँ मनाया गया था? फूल देई त्यौहार कहाँ मनाया गया, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फूल देई त्यौहार कहाँ मनाया गया? राइट आंसर इज, उत्तराखंड। उत्तराखंड इसकी कैपिटल देहरादून, और आपको पता है कि समर कैपिटल और विंटर कैपिटल दो होती है, तो एक तो देहरादून है और एक है गैरसैंड। नेक्स्ट पॉइंट, सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्या, यूके सीएम इनॉग्रेटेड द सूर्याधर लेक, ठीक है, यूके स्टेट द फर्स्ट इको ब्रिज हैज बीन बिल्ड फॉर स्मॉल एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय आईटी उद्योग के जनक कौन है? भारतीय आईटी उद्योग के जनक कौन है? भारतीय आईटी उद्योग के जनक कौन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फकीर चंद कोहली। फकीर चंद कोहली राइट आंसर है, फकीर चंद कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच कौन सा वायुसेना अभ्यास आयोजित किया गया था? हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच कौन सा वायुसेना अभ्यास आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है शाहीन नाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दक्षिण अफ्रीकी देश के पीएम एम्ब्रोस देलमिनी का निधन हो गया? हाल ही में किस दक्षिण अफ्रीकी देश के पीएम एम्ब्रोस देलमिनी का निधन हो गया? राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द आर्ट ऑफ बिटवेलिटी नामक पुस्तक लॉन्च की है, किसने लॉन्च की है? किसने हाल ही में द आर्ट ऑफ बिटवेलिटी नामक पुस्तक लॉन्च की है?
राइट आंसर है नंदन नीलकेणी, नंदन नीलकेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोसार नामक नए साल का त्यौहार कहाँ मनाया गया? लोसार नामक नए साल का त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो राइट आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? सभी लोग देखो आंसर देते हुए चलो, ठीक है, पूरा टाइम मिलता है आपको आंसर सोचने का, आंसर दगाने का पूरा समय मिलता है, और इससे ज्यादा समय आपको लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज्यादा समय लिया आपने तो इसका मतलब है आप सिलेक्शन के बाहर हो, आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, इसलिए आपको इस समय के अंदर तो आना ही होगा, है ना। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए टाइम नहीं है, अगर आपके पास सही टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आपका सिलेक्शन हो नहीं सकता है, ठीक है। राइट आंसर इज ओमार प्रेमेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? पाकिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, पाकिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सुरेश कुमार, राइट आंसर सुरेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IOSC शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता किसने जीती? हाल ही में IOSC शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता किसने जीती? बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यशवर्धन, राइट आंसर इज यशवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बंदर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय बंदर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बंदर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आई होप सभी लोग आंसर देते हुए चल रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर है 14 दिसंबर। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक बार देखिए, नजर डालिए जल्दी से इस पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट भी है, कुछ इंपॉर्टेंट और भी है डेज, एक बार जल्दी से देख लीजिए तभी हम लोग आगे बढ़ते। देखिए, याद रखिए, कभी भी आप करंट पढ़ते हो, ठीक है, आपने आज की करंट पढ़ी, आपने अगले दिन की करंट पढ़ी, तो जब आपने अगले दिन की करंट पढ़ी तो इस करंट को एक बार क्या करो, नजर जरूर डाल लो, मतलब जिसे कहते हैं रिविजन। रिविजन का मतलब ये नहीं होता रटना, रिविजन का मतलब होता है एक नजर डालना कि हाँ हाँ मैंने ये पढ़ा था। तो इसीलिए मैंने क्या किया है आपके सामने, अगर यहाँ पर एक 14 दिसंबर आया तो जितने भी दिसंबर में डेज हम लोग पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवीजन के तौर पर हमने यहाँ पर रख लिया। तो आपने क्या किया, आपकी एक बार फिर से नज़र पड़ गई, और जब नज़र पड़ गई तो क्या हुआ, आपको रिवीजन हो गया,
अगली बार ये गलत नहीं होगा क्योंकि अगली बार फिर डे आएगा तो हम फिर से इसको रिवीजन करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जॉन ले कार्ले कारे का निधन हो गया है, बताइए वो कौन थे? हाँ क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉवेलिस्ट। इसके अलावा भी देखिए कौन कौन से लोग मर गए हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, जल्दी से देख लीजिए। अभी आपको पता होगा ये एक्ट्रेस मर गई है जिनकी डेथ हुई है अभी रिसेंटली, ये रिश्ता क्या कहलाता में आती थी। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जोक्स इंक ने पूरी तरह से स्वायत्त इलेक्ट्रिक ड्राइवरलेस गाड़ी या रोबो टैक्सी का अनावरण किया है जिसमें कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं है, जोक्स डैश के स्वामित्व में है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाई सभी लोग देखो आंसर्स देते हुए चलो, जितना ज्यादा आंसर दोगे दिमाग उतना ज्यादा शार्प होगा, उतना ज्यादा शार्प होगा सिलेक्शन में उतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी, राइट। तो वही इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर अमेज़न, ठीक है। आपको पता है ना दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जो अमेज़न का हेड है उसका नाम क्या है, बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत में एयरटेल और जियो प्रोजेक्ट तारा विस्तार के साथ साझेदारी करेगी? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, राइट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गूगल, राइट आंसर क्या है, गूगल। अच्छा देखिए जल्दी से इस पॉइंट के अदर पॉइंट्स भी देख लीजिए जल्दी से एक बार, मैंने क्या कहा रिवीजन करते हुए चलो, जिंदगी में करंट रटनी ही नहीं पड़ेगी। आज आपने पढ़ा कल एक बार बस नजर डालिए, अगले दिन पढ़िए फिर एक बार पिछली नजर डालिए, फिर अगले दिन पढ़िए फिर पिछला सारा नजर डाल दीजिए, बस देखिए। निम्नलिखित में से किसने लघु वीडियो प्लेटफॉर्म द डम स्मैश का अधिग्रहण किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राधिका रंजन प्रामाणिक का निधन हो गया है, बताइए वो कौन थे? अब जब डेथ आई है तो अभी जितना पिछला हम लोग डेथ देख चुके हैं ना सब कुछ इसमें आ जाएगा, सारा क्या हो जाएगा फिर एक बार रिवीजन हो जाएगा आप सभी का, राइट। तो राइट आंसर इसका क्या है, पॉलिटिशियन। देखिए फिर से वही बात आ गई है ना, सब आपके सामने, एक बार नजर डालिए जल्दी से।
आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अल हैप्टो टेनिस चैलेंज दुबई जीती है? बताइए इस क्वेश्चन का, दुबई होगा यहाँ पे भैया, क्या हो जाएगा? ठीक है चलो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर इज अंकिता रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय सौर और पवन ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी लोग बताते हुए चलो। राइट आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी। यूपी जिसकी कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल स्टेट एस्टेब्लिशमेंट ऑनरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फॉर हनी प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, हाल ही में निम्न में से किस देश के शोध संस्थान ने कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? चलो भाई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आपको देना है क्या आंसर, तो बताइए इस क्वेश्चन का होगा क्या राइट आंसर। राइट आंसर है नॉर्वे जिसकी कैपिटल है ओस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन कब होगा? दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन कब होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग को आंसर देना है भाई, जितने लोग भी जुड़े हो ना सभी लोग को आंसर देना है, और जितने लोग नहीं जुड़े हैं भाई इनको जोड़ लो जल्दी से, इतना तो काम कर ही सकते हो सभी लोग। राइट तो राइट आंसर हो जाएगा 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया गया? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर दीजिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्या। हाल ही में आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया गया? राइट आंसर इज तुंगभद्रा पुष्करम फेस्टिवल। सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, कैपिटल अमरावती, कुरनूल और विशाखापट्टनम। आपको पता है ना आंध्र प्रदेश की तीन कैपिटल, अमरावती, विशाखापट्टनम, कुरनूल। आंध्र प्रदेश स्टेट कड़प्पा डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड इन वाटर कंजर्वेशन। आंध्र प्रदेश लॉन्च अ लैंड सर्वे इन जनवरी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी करदाताओं के लिए कौन सी योजना शुरू की? हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी करदाताओं के लिए कौन सी योजना शुरू की है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पता है ना 1 जुलाई 2017 से हुआ था लागू।
नहीं पता है तो भैया जान लियो, सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म करके जो टैक्स लागू हुआ है वो कौन सा टैक्स है? जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हुए ना कि डायरेक्ट टैक्स, याद है? डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है? डायरेक्ट टैक्स जो हम किसी दूसरे पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जस्ट लाइक इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो हम किसी दूसरे पर इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्यूआरएमपी स्कीम। क्यूआरएमपी स्कीम मतलब क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। -7.5 was India's GDP growth rate in the second quarter. Clear? Next question is आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किसने आगरा मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी है? ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आंसर देना स्टार्ट करिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो भाई आंसर दो, खटाखट आंसर दो, फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए आप सभी लोग। राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी जी, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपको पता है ना, यूपी कंट्री बिकेन द फर्स्ट स्टेट टू टेस्ट कोविड-19 ओवर 2 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने मालिक सूरज को सफलतापूर्वक सक्रिय किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जापान। पी ऑफ चाइना, सी जिनपिंग, पेप्टल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस देश ने अमीरों पर एन मिलेनियर टैक्स लगाने की घोषणा की है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। किस देश ने अमीरों पर मिलेनियर टैक्स लगाने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इज अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की नई संशोधित ऊंचाई घोषित की है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हाल ही में नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की नई संशोधित ऊंचाई घोषित की है। बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर है 8848.86 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आईसीएआर, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्लियर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने अमेरिकी रक्षा सचिव का चयन किया, बताइए चयन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, देखिए इससे पहले पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडन, कैपिटल ऑफ यूएस वॉशिंगटन डीसी, आपको पता है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर यहीं पर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। किस कंपनी को हाल ही में लगातार 6वें वर्ष यूनाइटेड किंगडम सुपर ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई थी? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। किस कंपनी को हाल ही में लगातार 6वें वर्ष यूनाइटेड किंगडम सुपर ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई थी? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा टीसीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 एशिया क्रिकेट कप की मेजबानी कौन करेगा? 2021 एशिया क्रिकेट कप की मेजबानी कौन करेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो क्वेश्चन के आंसर लगातार देते हुए चलो तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर क्या है? श्रीलंका, कैपिटल कोलंबो, श्री जयवर्धने पुराकोटे, और करेंसी है श्रीलंका रूपी, पीएम है महेंद्र, और प्रेसिडेंट आपको पता ही है श्रीलंका विल होस्ट 2021 एशिया क्रिकेट कप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आंसर आपको देना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप सभी लोगों को आंसर्स आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर है राजकमल झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी भारत द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, आंसर दो। राइट आंसर क्या होगा?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समीर दामरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर दीजिए। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इज 9 दिसंबर। 9 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नवगठित WHO फाउंडेशन, WHO जिसका फुल फॉर्म आपको पता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के प्रथम सीईओ कौन बने? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर देना स्टार्ट करो भाई। आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अनिल सोनी। राइट आंसर अनिल सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी? यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? देन राइट आंसर है बाला देवी। बाला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्वनि की गति से पहली बार उड़ान भरने वाले पायलट की मौत हो गई है, उसका नाम बताइए। सही भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधिकारिक ओलंपिक खेलों के रूप में किसे शामिल किया गया था? आधिकारिक ओलंपिक खेलों के रूप में किसे शामिल किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आधिकारिक ओलंपिक खेलों के रूप में किसे शामिल किया गया था? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर है ब्रेक डांस। राइट आंसर इज ब्रेक डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा में स्पीकर चुने गए हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा के स्पीकर चुने गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो ठंड हो रही है, बढ़ती जा रही है, अगर रजाई में पैर डाल के पढ़ोगे तो नींद आ जाएगी, तो इसलिए कोशिश करो बिना रजाई के बैठ के सोफे पे बैठ के पढ़ो, जब नीचे से ठंडक लगेगी तभी आंख खुलेगी। और सोचोगे रजाई में बैठ के पढ़ाई हो जाए तो रजाई में बैठ के पढ़ाई नहीं होती है, क्या होती है? नींद आती है जबरदस्त। राइट आंसर इज राज चौहान। राइट आंसर क्या है? राज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने प्रकाश के आधार पर दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? किस देश ने प्रकाश के आधार पर दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? धुआंधार है क्वेश्चंस और आंसर भी आप लोग के आ रहे हैं धुआंधार, है ना? अच्छा रिस्पांस आ रहा है, वेरी गुड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैफे कॉफी डे के सीईओ कौन बने हैं? कैफे कॉफी डे ए के सीईओ कौन बने हैं? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर है मालविका हेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी पढ़ लीजिए एक बार, जो पॉइंट्स लिखे हैं एक बार इसको भी रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 साखर ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती है? बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इसका है सर्जियो पेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इस पॉइंट को जरूर से देखो,
कि कितने स्कोर किसने बनाए हैं, किसने क्या जीता है। जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे एमपीएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एमपीएल आपने सुना होगा ना, एमपीएल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। किसे एमपीएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। राइट आंसर है अमिताभ, अमित बंदना, अमित बंदना। ठीक है, अमित बंदना। ए आर रहमान एज बी सिलेक्टेड द मेजर ऑफ द बाफ्टा ब्रेक तो इनिशिएटिव इन इंडिया। अनुष्का शर्मा एज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर प्रेगा न्यूज। कुलदीप हंधू बहुत रिसेंटली अपने ब्रांड एम्बेसडर फिट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के एथलेटिक महासंघ के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर देना आप सभी को कि राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है राधा कृष्णन नैयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में जिसे सिंगापुर के जल डमरू मध्य समय के अनुसार एशियाई ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इयर्स 40 मतलब 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम। 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम, देखिए यहाँ पे मिस्टेक से इयर्स पहले लिख गया है। 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है। सभी लोग आंसर दो भाई, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देन करेक्ट आंसर इज डॉक्टर शिवांतनु पिल्लई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किस राज्य के सीएम ने नवनिर्मित मेजर हॉट पुल को जय हिंद ब्रिज नाम दिया है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा।
राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़, सीएम है ममता बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने हाल ही में अपने रिटायरमेंट फॉर्म को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट घोषित किया, वह किस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देन राइट आंसर है न्यूजीलैंड। राइट आंसर इज न्यूजीलैंड। क्लियर? एक बार इस पॉइंट पर नजर डालिए जल्दी से, ताकि हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 के अंत में कौन सा देश अपने मौजूदा प्रारूप में क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताते चलो भाई। राइट आंसर हो जाएगा जापान, जिसकी कैपिटल है टोक्यो, पीएम है फॉर्मर पीएम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप आई मोबाइल ऐप को एक ऐप में बदल दिया है? बताइए, आई मोबाइल को एक ऐप में बदल दिया है, बताइए कौन सा बैंक है? तो राइट आंसर इसका है आईसीआईसीआई बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई, MD & CEO संदीप बख्शी, टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। आई होप वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक के संग संग शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको डेली का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस कोड का यूज करके आपको मिलेगा 10% का ऑफ किसी भी कोर्स के लिए। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच क्लास। आई होप वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, राइट? थैंक यू सो मच। क्या?